नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एनएमडीसी में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी नई भर्ती 2022 के बारे में, जिसकी नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। दोस्तों अगर आप कक्षा 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है या ग्रेजुएट पास है तो आप सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं एनएमडीसी की इस भर्ती के लिए, जो कि एक सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है। दोस्तों इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, 2 मार्च 2022 इसकी अंतिम तिथि है आवेदन करने की। तो दोस्तों इस भर्ती के लिए 2 मार्च से पहले आवेदन जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजाना इसी प्रकार नई भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएमडीसी नई भर्ती 2022 के बारे में, जिसकी नई भर्ती की सूचना जारी हो चुकी है। अंतिम तिथि जो है 2 मार्च 2022 है। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास ये सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सैलरी की बात करते हैं तो 35,000 रुपए प्रति माह आपको सैलरी मिलेगी। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी लड़के और लड़कियां आवेदन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर sarkaritodaynews.com की पर, और आज हम बात करेंगे एनएमडीसी की नई भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जा रही है। पदों की बात करते हैं तो वर्कमैन के पद यहां पर जारी किए गए हैं। कुल पदों की संख्या 200 है और वैकेंसी की डिटेल्स में बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं फील्ड अटेंडेंट के पद हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट के पद हैं, एमसीओ ग्रेड 3 के पद हैं, एचईएम मैकेनिक ग्रेड 3 के पद हैं, ब्लास्टर ग्रेड 2 के पद हैं, क्यूसीए ग्रेड 3 के पद हैं और आवेदन केवल आपको ऑनलाइन करना होगा। संपूर्ण भारत से सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में आपकी लिखित परीक्षा, उसके बाद आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और सैलरी आपको 19,900 से 35,000 रुपए प्रतिमाह सैलरी मिलेगी। उम्र सीमा की बात करते हैं तो कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम जो है 30 वर्ष है। आईसीओ में छूट है सरकार के नियमानुसार और आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी के लिए 150 रुपए है, एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है, पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। वहीं योग्यता की बात करते हैं तो कक्षा 8वीं पास, 10वीं पास, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास सभी योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 10 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक चलेंगे। ये रहा आवेदन करने का लिंक नोटिफिकेशन के साथ। नोटिफिकेशन दोस्तों आपके सामने है, अधिक जानकारी के लिए से चेकआउट कीजिएगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।